नमस्कार। धनु राशि के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात मैं करने जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे परिणाम आपको बताने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए बहुत ही सुखद और आपके कानों को सुनकर अच्छा महसूस करेंगे आप। धनु राशि पर पिछले 7.5 वर्ष से जो शनि की 7.5 चल रही थी उसकी समाप्ति आज हो चुकी है और इसके अलावा 30 वर्ष के बाद अब 7.5 आएगी। टेंशन फ्री हो जाना और आपके लिए अच्छे अच्छे अवसर अब आ रहे हैं। इस साल क्या क्या उपलब्धियां होंगी वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसी महीने आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे सुख के अवसर आज आपको देखने को मिलेंगे। क्या धनु राशि के तीसरे स्थान में शनि प्रवेश किए हैं तो त्रिखटे एकादशी शनि सर्वारिष्ट निवारणम, आपके सब दुख दर्द परेशानी चिंता तनाव टेंशन झगड़े झंझट परेशानी जितने भी रगड़े झगड़े लफड़े थे सब समाप्त हो जाएंगे। अब आपका पराक्रम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी और आपके घर का रेनोवेशन यानी के घर में साज सज्जा बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट टीवी फ्रिज डबल बेड फ्रीजर या नए टीवी के साथ साथ नए नए उपकरण आपको उपहार में लोग देंगे या आप बाजार से खरीदेंगे, यानी कि आपके घर में सुख सुविधाओं के सामान आएंगे। जिनका मकान नहीं था वो मकान खरीदेंगे या उसके लिए जमीन खरीदेंगे। चतुर्थ भाव में जो बृहस्पति स्वग्रही बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, भूमि भवन वाहन इनकी प्राप्ति कराते हैं। अच्छी अच्छी सुंदर कार जिनके पास खरीदने का मन बहुत दिनों से बन रहा था अब वो कार की बुकिंग कराएंगे और नई कार में बैठ करके जाएंगे, वाहन का सुख प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, आपकी संतान जो फेल हो रही थी या पढ़ाई में जिसका उन्नति रुकी हुई थी या एडमिशन नहीं हो रहा था हायर एजुकेशन के लिए, उस आपकी संतान का एडमिशन तो होगा ही। और जिनकी संतान विवाह के योग्य है और विवाह के आपकी लड़की के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था तो आराम से रिश्ता मिलेगा और वो रिश्ता भी आपके अनुरूप और अनुकूल होगा। बस ये है कि अगर आपका बच्चा मांगलिक है तो उसकी कुंडली मैच करके विवाह करेंगे तो जीवन सुखी रहेगा। ये तो आपको सोचना है, ये बात का विषय है। लेकिन इस वर्ष अप्रैल के बाद पंचम भाव में आपके गुरु आएंगे, आपकी बुद्धि विद्या विवेक ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि तो होगी और साथ में आपकी आमदनी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि आपके पंचम भाव में जो गुरु हैं उनकी दृष्टि आपके इनकम हाउस लाभ स्थान में होगी। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। धनु राशि वाले व्यक्ति धुन के पक्के जिद्दी होते हैं। इनकी ना कमर में दर्द स्पाइनल कॉर्ड स्पोंडोलाइटिस जैसी समस्या रीढ़ की हड्डी में दर्द क्यों होता है, क्योंकि धनु जो है, धनु का मतलब धनु इस प्रकार के आकार का मोड़ा रहता है और जो रीढ़ की हड्डी वो भी झुकती है और वो झुकाव इस तरह से होता है उसमें खिंचाव आता है कई बार, तो स्लिप डिस्क की समस्याएं अधिकांश धनु राशि वालों को होती है। उसके लिए उपचार इलाज उसका विषय अलग है, वो भी हम बता सकते हैं अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो। लेकिन अब हम आपसे बात करेंगे कि मंगल ग्रह आपके छठे स्थान में चल रहा है, त्रिखटे एकादशी भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, लेकिन मंगल की डायरेक्ट 8वीं दृष्टि मार्ग दृष्टि कहलाती है ज्योतिष शास्त्रों में, इसीलिए धनु राशि के पैर में फेस के ऊपर और सिर में दांतों में गले में कोई पीड़ा कष्ट चोट परेशानी आघात कुछ ना कुछ रहेगा तो गुस्सा ना करें।
धनु राशि वाले इतने जिद्दी होते हैं, छोटे बच्चों को अगर लेंगे, माँ अगर उनको डांट करके कोई काम कराएगी वो नहीं कर सकते। अगर प्यार से किसी ने कहा बेटा आ जा मेरी बात सुन प्यार से, तो एकदम उसकी बात मान जाते हैं। ये धनु राशि की प्रवृत्ति है। इसीलिए जितनी भी माएँ हैं या बहनें हैं, उनके पति या उनके बच्चे या कोई भी नियर एंड डियर है और वो धनु राशि का है या धनु लग्न का भी है, तो उससे अगर प्यार से डील करेंगे तो वो आपकी बात एकदम मान जाएगा। ये सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको, जीवन भर काम आएगा। धनु राशि वालों के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान रेस्पेक्ट के साथ, और जिनकी नौकरियां नहीं थी या छूट गई थी, अब उनकी नौकरियों के अच्छे अच्छे अवसर, राजकीय सम्मान या प्राइवेट नौकरियों में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और विदेश यात्राओं के योग जिनके रुके हुए थे, वो अब विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, उनका वीज़ा लग जाएगा, उनको अवसर प्राप्त होंगे जो भी वो चाह रहे थे। अर्थात एक शब्द में बात खत्म करता हूँ, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने में अब देर नहीं है, निरंतर इस अच्छे अच्छे अवसरों का लाभ उठाइए। तो आपके सूर्य 31 जनवरी तक आपके लिए धन का लाभ प्रदान करने वाले हैं। बस अपनी वाणी को सुव्यवस्थित बनाए रखें, कटु भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका किसी के साथ विवाद हो सकता है। इसलिए विवादों को टालने के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। धनु के लिए धन की वर्षा होगी, यही इसी शुभकामना मेरी आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार।